कर्नाटक में कल होने वाली वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने जारी किया वीडियो संदेश, बीजेपी सरकार के काम की जमकर तारीफ। बीजेपी सरकार की डिसिसिव, फोकस और फ्यूचरिस्टिक नीतियां कर्नाटक की अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी मंत्रालयों से मांगी गई रिपोर्ट, आज ही सभी मंत्रालयों को सौंपना है ब्यौरा, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति के बारे में रिपोर्ट सौंपने को कहा। सभी मंत्रालयों से 3 मुद्दों पर 5 बड़ी उपलब्धियों के बारे में मांगी गई जानकारी, 2014 से पहले अब तक की प्रगति के बारे में रिपोर्ट देने को कहा गया। 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी, 15 मई से 15 जून तक चलाया जाएगा अभियान। कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आज कोलकाता के साइंस सिटी में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। कोलकाता में जोरा सांको ठाकुरबाड़ी में टैगोर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नॉर्थ 24 परगना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएसएफ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने के मिशन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से करेंगे मुलाकात। 11 मई को मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इससे पहले नीतीश ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश समेत कई नेताओं से कर चुके हैं मुलाकात। बजरंग दल का विरोध, कांग्रेस को बड़ा भारी, वीएचपी और बजरंग दल की ओर से आज देश भर में किया जाएगा हनुमान चालीसा का पाठ। कर्नाटक में वोटिंग से पहले मुश्किल में कांग्रेस, चुनाव आयोग ने खड़गे को जारी किया नोटिस, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर सोनिया गांधी ने संप्रभुता वाला बयान पोस्ट किया था। निर्वाचन आयोग ने विज्ञापन को लेकर कर्नाटक बीजेपी को भेजा नोटिस, आज रात 8 बजे तक बीजेपी को विज्ञापन में किए गए दावों पर मांगा स्पष्टीकरण। कर्नाटक में मुसलमानों के 4% आरक्षण को हटाने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक से पहले पुलवामा जैसा हमला करने की फिराक में आतंकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। कर्नाटक चुनाव के लिए सोमवार को थमा हाई वोल्टेज प्रचार अभियान, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को होना है मतदान। विजयनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया भव्य रोड शो, भारी संख्या में जनसैलाब। लोगों ने अपने घरों की छतों से प्रियंका गांधी वाड्रा पर की पुष्प वर्षा, प्रियंका ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। प्रियंका ने बीजेपी सरकार को 40% कमीशन सरकार करार दिया, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का बड़ा दावा, कहा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है जनता। बेंगलुरु में बस में सफर करते नजर आए राहुल गांधी, राहुल गांधी के समर्थन में प्लाकार्ड लेकर खड़े दिखे लोग। शिवमोगा के शिरलकोपा में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किया भव्य रोड शो। नेता किच्चा को देखने के लिए आसपास के घरों की छतों पर भारी संख्या में उमड़ी जनता, बीजेपी समर्थकों ने किच्चा की तस्वीरों वाले झंडे लहराए। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शिवमोगा में जीत का भरा दम, कहा हम 135 सीटें जीतने जा रहे हैं। हुबली धारवाड़ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया भव्य रोड शो, बीजेपी नेता विजय संकेश्वर के साथ। बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन में पहनाई गई माला, बीजेपी नेताओं ने मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवार को भारी मतदान से जिताने की अपील की। कर्नाटक के मांड्या में चुनाव प्रचार के अंतिम वक्त में बीजेपी के एक मंत्री ने हनुमान का लगाया मुखौटा, जय हनुमान कांग्रेस निर्नाम के लिए लगाए नारे।
गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में फिर कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 6% तक कांग्रेस बढ़ा देगी मुस्लिम आरक्षण तो किसका कटेगा कोटा। कर्नाटक की संप्रभुता वाले बयान के बाद सोनिया गांधी पर हमलावर हुई बीजेपी। बेलगावी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोली, कर्नाटक में बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार। कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार का दावा, 224 में से कांग्रेस को मिलेंगी 141 सीटें। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में असदुद्दीन ओवैसी ने देश के मौजूदा हालात पर जताई चिंता, कहा कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच हिंदुत्व विचारधारा को लेकर लगी रेस। कर्नाटक के मतदाताओं से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील, बीजेपी को खतरनाक बताते हुए वोट नहीं करने को कहा। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म बैन, ममता सरकार ने उठाया सख्त कदम। ममता बनर्जी का संगीन आरोप, गलत तथ्यों के आधार पर फिल्म बनाई गई। बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म बैन होते ही प्रोड्यूसर विपुल शाह का बयान, कहा अगर राज्य नहीं सुनेंगे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म बैन करने को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया गलत। द केरला स्टोरी देखने के बाद बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, फिल्मी आतंकवाद के नए रूप को उजागर किया। द केरला स्टोरी को वैसी ने बताया झूठी फिल्म, कहा ये सब आईएसएस वाले देखकर हो रहे होंगे खुश। फिल्म द केरला स्टोरी के बहाने ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री अभिनेता के साथ साथ एक फिल्म में बन गए हैं प्रमोटर। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान, केरला में ही नहीं भोपाल में ही लव जिहाद, द फिल्म केरला स्टोरी लोगों को कर रही है जागरूक। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस पार्टी के झंडे पर बैन लगाने की मांग की, बोले तिरंगे से छेड़छाड़ कर बनाया गया है कांग्रेस का तिरंगा। झंडा विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तगड़ा प्रहार, का कांग्रेस की टुकड़े टुकड़े साजिश का पर्दाफाश। बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित, कहा यह निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पक्षों को साफ करने का अभियान। रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र में आजम खान का विपक्ष पर हमला, बेटे अब्दुल्ला को बताया अल्लाह का पसंदीदा। नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव ने जमालपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए रोड शो किया। प्रशांत किशोर का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, बोले मोदी के नाम पर बिहार की जनता ने बेकार से बेकार लोगों को बना दिया सांसद। केजरीवाल के बंगले की जांच की मांग को लेकर एलजी को कांग्रेस नेता अजय माकन ने लिखी चिट्ठी, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की मांग मंजूर। मणिपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने हालात बताया सुधार, केंद्र की मदद के लिए गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश, 17 मई तक रिपोर्ट जमा करने के आदेश। आनंद मोहन के रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, बिहार सरकार से मांगा जवाब। संजय मिश्रा ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में हुए शामिल। पुणे की केक आर्टिस्ट प्राची धवल देव ने तोड़ा खुद का ही रिकॉर्ड, 200 किलो की वीगन रॉयल आइसिंग केक बनाकर शानदार उपलब्धि हासिल की। भारतीय राजमहल की तर्ज पर बनाया गया है वीगन रॉयल आइसिंग केक का स्ट्रक्चर। जयपुर में दो ग्रेजुएट दोस्तों ने लस्सी में किया इनोवेशन, फ्यूजन लस्सी पीकर रोग हो रहे जाते हैं कंफ्यूज। शिवराज सिंह चौहान ने 21 मेगावाट और ऊर्जा और 15 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं को किया वर्चुअली शुभारंभ। तमिलनाडु के डिंडीगुल दिहाड़ी मजदूर की बेटी ने किया कमाल, 12वीं बोर्ड में नंदिनी के सभी सब्जेक्ट फुल मार्क्स। मणिपुर हिंसा में फंसे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को विशेष विमान से मुंबई लाया गया, छात्रों ने ली राहत की सांस।
मणिपुर में हिंसा के फंसे तेलंगाना के छात्र स्पेशल फ्लाइट से हैदराबाद पहुंचे। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा प्लान, आईपीएल की तर्ज पर अगले साल महिला तमिलनाडु प्रीमियर लीग आयोजित करने का प्लान। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में अत्याधुनिक स्मार्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। देश के खनिज भंडार के मोर्चे पर अच्छी खबर, राजस्थान के नागौर में मिला लिथियम का बड़ा भंडार। इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत में आएगी कमी, जम्मू कश्मीर से भी बड़ा लिथियम का महाभंडार होने का दावा। दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए टोकन कार्ड का झंझट खत्म, यात्रियों के लिए क्यूआर कोड आधारित पेपर टिकट की सुविधा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद लगातार शुरू, अपर मिडिल क्लास के लिए प्रीमियर बस लाने की योजना। प्रीमियम बस में वाईफाई, सीसीटीवी और मोबाइल ऐप की बुकिंग की सुविधाएं होंगी मौजूद। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अनूठी पहल, दिल्ली को फूलों का शहर बनाने की तैयारी शुरू, यमुना किनारे लगाए चेरी ब्लॉसम और राह चिनार के 300 पौधे। हुगली मिशन बागने के शुभारंभ, बेटियां आत्मनिर्भर की सीख ले रही हैं। यमुना विकास प्राधिकरण के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक चलाई जाएगी पॉड टैक्सी। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां जोरों पर, बर्फ हटाकर रास्ता साफ करने का नया काम लगातार जारी। गंगोत्री धाम में दिखी एक संत की अनोखी आस्था, साष्टांग नमस्कार करते हुए संत का रामेश्वरम तक पहुंचने का लक्ष्य। जोजिला दर्रे में हुई बर्फबारी में फंसे सैलानियों का सेना ने जवान कर रहे लगातार रेस्क्यू। सूरत नदी की आपसी सौहार्द की शानदार तस्वीरें, आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए आगे बढ़े जाकिर शाह। लखीमपुर खीरी के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में आकर्षण का केंद्र बने हाथी, सैलानियों को देखते ही हाथियों ने लगाई दौड़। कुछ बिहार में पल रही 2.5 साल की बच्ची को मिला परिवार का साथ, अमेरिकन दंपति ने बच्ची को लिया गोद। पठानकोट में मनाई गई वीर महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती। लखनऊ के अलीगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर का बड़ा मंगल उत्सव की रौनक देखने को मिली, भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन। बजरंग बली को लगाया जाएगा लड्डुओं का भोग, भारी संख्या में जुटने वाले श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा प्रसाद। बस में देखिए महिला के आत्मनिर्भर होने की तस्वीर, सीमा के घर साथ चलती है पान की दुकान। गोंडा में खेलो इंडिया के मशाल के साथ विशाल रैली का शानदार आयोजन, भारी संख्या में रैली का हिस्सा बने स्कूल और कॉलेज के छात्र। तमिलनाडु चैंपियंस फाउंडेशन और चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी लोगों का उद्घाटन, मुख्यमंत्री स्टालिन कार्यक्रम में शिरकत। केदारनाथ धाम में फिर से बर्फबारी का दौर शुरू, लेकिन भीषण बर्फबारी पर श्रद्धालुओं की आस्था पड़ी भारी। भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ में भी बदल गया मौसम, खराब मौसम में भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी लगातार जारी, पहाड़ों पर बर्फबारी का मनोरम दृश्य। गंगोत्री धाम से भीषण बर्फबारी की तस्वीरें निकलकर सामने आई, बर्फबारी और बारिश के बीच दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। कुल्लू के मनाली लेह राजमार्ग पर हुई भारी बर्फबारी, हिमपात की वजह से सैकड़ों वाहन बीच में फंस गए। भारी बर्फबारी की वजह से हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फ की चादर भी ढक गई गाड़ियां, अटल टनल रोहतांग के पास 500 गाड़ियों का काफिला। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में एवलॉन्च की वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद। बागेश्वर में लगातार बारिश ने जनजीवन में किया अस्त व्यस्त, ओले पड़ने से किसानों को भारी नुकसान। मंडी में भी बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं टमाटर समेत कई फसलें नष्ट। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी सैलाब, जगह जगह वाटर लॉगिंग ने बढ़ाई लोगों की परेशानी।
यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के 34 से आर्थिक का ईरानी ड्रोन मार गिराया। राजधानी कीव में आधी रात ड्रोन का मलबा एक इमारत से टकराने से 5 लोग घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों के आत्मसमर्पण की बरसी पर देश के नाम संबोधन दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों की हार के मौके पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चीन के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के नौसेनाध्यक्ष से की मुलाकात। चीन की हिरासत में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार चेंग लेई को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने दिया बयान। चेंग को उचित न्यायिक सुरक्षा में रखने की कही बात।